सो भाई लोग, आज के रोपर हमारे दारोक ने है ना हमारे कोड़ी रोड को पूरी तरीके से बजा डाला। क्योंकि गाइस आज के रोपर जो हुआ है ना भाई, आपने ना पिछले 10 साल या 20 सालों में बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं होगी भाई। ये दारोक ही हैं जिन्होंने वापस अपना एटीट्यूड एरा वाला बिल्कुल एग्रेशन लेके आए हैं। क्योंकि गाइस जिस तरीके से आज कोड़ी रोड को तोड़ा है ना इसने, मतलब पूरी तरीके से रोपर है ना यहाँ पर खूनम खून कर दिया था रोपर। तो गाइस आपको बताएंगे क्या है पूरा मैटर, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो गाइस सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग क्या होती है। गाइस स्टार्टिंग करते हैं हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोड़ी रोड्स। और गाइस रो की स्टार्टिंग के अंदर है ना हमारे कोड़ी रोड्स काफ़ी ज़्यादा बातें करी यहाँ पर। सबसे ज़्यादा तो उन्होंने ये बातें ही करी कि उनका रेसलमेनिया के अंदर मैच है। और गाइस रेसलमेनिया के मैच के लिए ना रेसलमेनिया की तरफ पॉइंट करा उन्होंने, और सब ऑडियंस से भी कहा कि भाई जो भी तुम चाहता है कि मुझे रेसलमेनिया में भाई रेसलमेनिया के अगेंस्ट पॉइंट करो। और गाइस यहाँ पर वो लोगों को पॉइंट कर ही रहे थे। यहाँ पर फिर एंट्रेंस होती है हमारे दारोक की। भाई ये मोस्ट बेडेस्ट एंट्रेंस देखी है मैंने अभी तक की हिस्ट्री में। भाई दारोक ने एंट्रेंस करी और गाइस सिंपली वो है ना चल के आए और हमारे कोड़ी रोड से रिंग से फेस टू फेस हुए। और गाइस यहाँ पर देख के लग रहा था इनकी बहुत तगड़ी वाली ब्रॉल देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार है ना हमारे कोड़ी रोड ने एक बहुत तरक्की तमाचा मार दिया था हमारे रॉक को। पर गाइस यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिला। सिंपली यहाँ पर हमारे रॉक ने है ना कुछ कान में बड़बड़ा के चले गए कोड़ी रोड के। और गाइस इसके बाद फिर क्या हुआ, कोड़ी रोड से बहुत तगड़ा वाला रिएक्शन भी दिया पर गाइस कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। पर गाइस इसके बाद चलते फिर हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर मतलब गाइस यहाँ पर है ना जे उसो वर्सेस शिंजू के नाकामुरा का मैच फिक्स था। और गाइस यहाँ पर इस मैच के अंदर पता था भर भर के एंट्रेंस मतलब भर भर के इंटरफेरेंस देखने को मिलने वाली है। और गाइस खासतौर पर ब्लड लाइन का तो पूरा हाथ पांव सब रहने वाले इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पर वही देखने को मिला, यहाँ पर ब्लड लाइन के सोलो सिकुआ और हमारे जिमी उसो आ गए थे। पर गाइस इनको है ना एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर हमारे सोलो सिकुआ को हमारे सेथ रॉलिंस से एलिमिनेट कर दिया। और गाइस जिमी उसो को मारते मारते हमारे कोड़ी रोड्स बैक स्टेज ले गए। और गाइस यहाँ पर क्या देखने को मिला कि इधर से तो है ना यहाँ पर सेथ रॉलिंस को है ना यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर आकर अटैक कर दिया। और गाइस पर रिंग के अंदर हमारा मैच कंटिन्यू चल रहा था। और गाइस यहाँ पर जे उसो ने एक स्पेयर मारकर बहुत बुरी तरीके से शिंजू को नाकामुरा को हरा दिया। और गाइस यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमारे बैक स्टेज में कोड़ी रोड्स पहुंच जाते हैं और गाइस कोड़ी रोड्स जिमी उसो को मार रहे थे। और गाइस यहाँ पर फिर आकर है ना सोलो सिकुआ को अटैक करते, पर गाइस सोलो सिकुआ को उन्होंने धर दिया। पर गाइस इसके बाद हमारे दारोक आते हैं और भाई दारोक ने क्या ही पीटा है, मतलब भाई जो उनके आगे आ रहा है भाई उससे उठा उठा के मार रहा है, मतलब यहाँ पर ट्रैश कैन आ रहा है ट्रैश कैन से मार रहा है, दीवार में सर फोड़ दे रहा है हमारे कोड़ी रोड्स का। और भाई कहाँ कहाँ नहीं फेंक फेंक के मारा। फिर गाइस उनको बैक स्टेज से बाहर ले गए अरीना का। और गाइस यहाँ पर कोड़ी रोड्स का ट्रक खड़ा हुआ था, मतलब कि अमेरिकन नाइटमेयर वाला जो उनका ना पर्सनल ट्रक होते हैं शायद वो था। और गाइस इसके अंदर क्या भर भर के मारा भाई, मतलब कि कोड़ी रोड्स को बिल्कुल खूनम खून कर दिया यहाँ पर ट्रक के अंदर। क्या करीबन 3 से 4 बार बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर रोक ने दचड़ा यहाँ पर कोड़ी रोड्स को। और गाइस यहाँ पर कोड़ी रोड्स बिल्कुल खूनम खून हो गए थे, मतलब यहाँ पर ऐसा कोड़ी रोड्स का ऐसा खून निकल रहा था। और गाइस बारिश भी हो रही थी, तो भाई इतना भयंकर सिनेमैटिक सीन दिख रहा था, मेरे को लग रहा था कि मतलब कि कुछ अलग ही लेवल पर ले गए हमारे दारोक इस स्टोरी लाइन को। और भाई यहाँ पर दारोक ने वापस है ना यहाँ पर हमारे कोड़ी रोड्स को यहाँ पर एक बहुत तगड़ी वाली वार्निंग दी और कहा कि देखो मामा रोड्स का एक बेल्ट भी लाए थे और गाइस उसको है ना खून से रंग दी हमारे कोड़ी रोड्स के, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था स्मैकडाउन के ऊपर। और गाइस यहाँ पर दारोक ने पूरी तरीके से डोमिनेट करा, यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आया कोड़ी रोड्स को, क्योंकि सेथ रॉलिंस को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया था। और भाई जे उसो क्या कर रहे थे कुछ समझ में आया, क्योंकि जे उसो को विक्ट्री मिल गई इसके बाद समझ में नहीं आया कि भाई जे उसो गए कहाँ, बस जे उसो को समझ में नहीं आया, बाकी सब तो ठीक था। पर गाइस आज की जो रोड थी भाई बहुत तगड़ी थी और भाई हमारे कोड़ी रोड को बिल्कुल खूनम खून कर दिया। भाई अब का देखना बड़ा जरूरी होने वाला है कि इसका क्या रिस्पॉन्स निकल के आया हमारे कोड़ी रोड की तरफ से। सो गाइस आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल रसल अल्टीमेट को ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।